नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कार्डियो वर्जन। आज इसके बारे हम जानेंगे ये क्या होता है। कार्डियो टर्म जो है वो रिलेटेड है हार्ट से, तो ये हार्ट से रिलेटेड एक तरह से टर्म है कार्डियो वर्जन। कार्डियो वर्जन इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर। ये क्या है? मेडिकल प्रोसीजर है दैट यूजेस क्विक लो एनर्जी शॉक्स टू रिस्टोर ए रेगुलर हार्ट रिदम। तो ये क्या यूज़ करता है? क्विक और लो एनर्जी की शॉक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो हार्ट रिदम इरेगुलर हो गई है, जैसा होनी चाहिए वैसा नहीं है, तो उसको रीस्टोर करने के लिए कि वो रेगुलर हार्ट रिदम में चेंज हो जाए, तो उसके लिए कार्डियोवर्जन किया जाता है। इट इज़ ए ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट रिदम, जैसे कि एरिदमियाज इंक्लूडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसको हम क्या कहते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन को ए फिब भी कहते हैं, ए फॉर एट्रियल एंड फिब फॉर फिब्रिलेशन। तो ये कुछ जो टाइप के इरेगुलर हार्ट बीट हैं या एरिदमिया हैं, जिसमें कि एट्रियल फिब्रिलेशन भी शामिल है, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कार्डियोवर्जन इज डन टू करेक्ट ए हार्ट बीट दैट इज़ टू फास्ट टैकीकार्डिया और इरेगुलर फिब्रिलेशन। तो या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्ट बीट हो रहा है या फिर इरेगुलर है, फिब्रिलेशन है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए कार्डियोवर्जन किया जाता है। यदि हम पर्टिकुलर बात करें तो कार्डियोवर्जन कैन करेक्ट मैनी टाइप ऑफ फास्ट और इरेगुलर हार्ट रिदम, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। द मोस्ट कॉमन कंडीशन प्रोवाइड ट्रीट विद कार्डियोवर्जन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर जो हैं वो मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं जिनके लिए कि कार्डियोवर्जन यूज़ किया जाता है। देन इसके अलावा एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्डियोवर्जन। तो मेनली दो तरह के होते हैं कार्डियोवर्जन, इलेक्ट्रिक और मेडिसिन। तो इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन क्या है? यूजेज ए मशीन। ये क्या करता है? एक मशीन का यूज़ करता है एंड सेंसर इलेक्ट्रोड का यूज़ करता है टू डिलीवर क्विक एंड लो एनर्जी शॉक टू द चेस्ट, जिससे कि क्विक और लो एनर्जी शॉक चेस्ट पे दिए जाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर कार्डियोवर्जन किया जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड हैं ये, और यहाँ पर ये शॉक दिया जा रहा है लो क्वांटिटी का, और ये वो मशीन है जिससे कि कार्डियोवर्जन दिया जाता है। इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन अलाउ ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंस्टेंटली सी इफ़ द प्रोसीजर हैज़ रीस्टोर्ड ए टिपिकल हार्ट बीट। तो इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन क्या है? उससे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता लग जाता है इंस्टेंटली कि जो हमने प्रोसीजर किया है वो सही है या नहीं है, उसने हाथ के हाथ रीस्टोर किया है हार्ट बीट को या नहीं। तो इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन को और क्या क्या कह सकते हैं हम? डायरेक्ट करंट और डीसी कार्डियोवर्जन भी कहते हैं इसको। इज ए प्रोसीजर वेयर बाय सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल करंट, या कह सकते हैं शॉक, इज डिलीवर्ड थ्रू द चेस्ट वॉल टू द हार्ट। हार्ट तक जाता है थ्रू स्पेशल इलेक्ट्रोड्स और पेडल्स दैट आर अप्लाइड टू द स्किन ऑफ द चेस्ट, जो कि अप्लाई किए जाते हैं कहाँ पर? चेस्ट की स्किन पर और बैक पर। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। देन दूसरा टाइप है केमिकल, या कह सकते हैं हम फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। इसमें क्या है? मेडिसिन का यूज़ किया जाता है टू रीस्टोर द हार्ट रिदम, जिससे कि हार्ट रिदम को रीस्टोर किया जा सके। इट टेक्स लॉन्गर टू वर्क देन इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। यह क्या है? ज़्यादा टाइम लगता है इसमें बजाय किसके? इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन की। केमिकल कार्डियोवर्जन रेफर्स टू टेकिंग एंटी एरिदमिया मेडिकेशन टू रीस्टोर द हार्ट रिदम टू द नॉर्मल। तो केमिकल कार्डियोवर्जन में किसका यूज़ किया जाता है? एंटी एरिदमिया मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हार्ट रिदम को नॉर्मल ला के रीस्टोर किया जा सके। डॉक्टर्स विल डिलीवर द मेडिकेशन, ऑरली भी दे सकते हैं डॉक्टर्स और आईवी भी दे सकते हैं। फॉर पीपल विद एफिब एट्रियल फिब्रिलेशन दे मे यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई मेडिसिन यूज कर सकते हैं डॉक्टर्स, जैसे कि डोफेटिलिड, प्रोपेफेनॉन, फ्लैकेनाइड,
आईब्यूटिलेज एंड एमियोडेरोन, तो ये यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए ये मेडिसिन, और ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके अनुसार ही वो इसको देते हैं। देन आता है पोटेंशियल रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। पोटेंशियल रिस्क क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन की, तो इसमें डिसलॉज ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट इसमें डिसलॉज हो सकता है, कहीं दूसरी जगह पे जाके वो वहाँ पर स्थापित हो सकता है ब्लड क्लॉट। सम पीपल हु हैव इरेगुलर हार्ट बीट जैसे कि एफिव है ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन द हार्ट, तो ये वाली जो कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, इनमें क्या होता है पेशेंट के हार्ट में ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। शॉकिंग द हार्ट कैन कॉज दीज ब्लड क्लॉट्स टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हम शॉक देते हैं कार्डियोवर्जन के द्वारा, तो हार्ट में जो ये ब्लड क्लॉट हैं ये क्या करते हैं, जो बॉडी के दूसरे पार्ट हैं वहाँ पर मूव हो जाते हैं। दिस कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, और इससे क्या हो जाती है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे कि स्ट्रोक और ए ब्लड क्लॉट ट्रेवलिंग टू द लंग, उससे क्या हो जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये सब क्या होती हैं एमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर में ऑर्डर टेस्ट टू चेक फॉर ब्लड क्लॉट्स बिफोर डूइंग कार्डियोवर्जन, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर सकता है इसके लिए टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट को चेक किया जा सके कार्डियोवर्जन करने से पहले, तो ये टेस्ट कराए जाते हैं। सम पीपल मे बी गिवन ब्लड थिनर भी दिए जाते हैं प्रोसीजर से पहले, तो ब्लड थिनर क्यों दिए जाते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट जो हो वो डिसलॉज होकर दूसरी जगह पर नहीं पहुँचे और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज नहीं करे। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इरेगुलर हार्ट रिदम और एरिथमिया हो सकता है। रेयरली क्या हो सकता है, सम पीपल में डेवलप अदर इरेगुलर हार्ट बीट ड्यूरिंग और आफ्टर कार्डियोवर्जन। देन स्किन बर्न भी हो सकता है क्योंकि स्किन पे लगते हैं इलेक्ट्रोड्स। रेयरली सम पीपल गेट माइनर बर्न्स ऑन द स्किन फ्रॉम द सेंसर इलेक्ट्रोड, तो ये रेयरली होता है कि बर्न हो। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं, जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं। ब्लड क्लॉट दैट कैन कॉज स्ट्रोक और अदर ऑर्गन डैमेज। इसके अलावा ब्रूजिंग हो सकती है, बर्निंग और पेन वेयर द इलेक्ट्रोड्स वर यूज्ड, और वर्सनिंग ऑफ एरिथमिया हो सकता है इसकी वजह से। और इसके अलावा क्या है, कार्डियोवर्जन जो प्रोसीजर है वो एक वैसे शेड्यूल प्रोसीजर होता है, बट कभी कभी ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा इमरजेंसी में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे ये शेड्यूल प्रोसीजर है, बट समटाइम्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नीड टू डू इट एज एन इमरजेंसी। द पोटेंशियल रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन में डिसलॉज ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं, और इसके अलावा इरेगुलर हार्ट रिदम हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, देन स्किन बर्न हो सकता है रेयर कंडीशन में, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है मेडिसिन से, और ब्रूजिंग बर्निंग और पेन हो सकता है, और बर्सनिंग ऑफ एरिथमिया। तो आज का हमारा टॉपिक था कार्डियोवर्जन, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।